हेलो गाइस, मैं आपका दीपक कुमार। बस मैं आज है ना आपको टोक्यो आ रहा हूँ नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट के अंदर। बड़ा ही फेमस नाम सुना था इनका, पंडित जी है जो दही बल्ले वाले, इतना फेमस है नेहरू प्लेस के अंदर, एक नंबर लाजवाब देते हैं ये। बस आज उनके पास में आए हैं, दही बल्ले एक बार खाते हैं, देन इनका रिव्यू लेते हैं। बस आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना भीड़ है, कितना रश रहता है इनके पीछे। दुनिया भर के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ा मज़ा आता है इनके दही बल्ले। आज टेस्ट करते हैं और देखते हैं और बताते हैं आपको कैसे इनके दही बल्ले। ये हमारे नेहरू प्लेस के पंडित जी की भीड़, ये देखो ये सुपर माइंड ब्लोइंग, इतना रश रहता है इनके पास में। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार पंडित जी, 2 मिनट का समय दोगे? हाँ जी, जरूर देंगे मैडम। क्या नाम है बहू जी आपका? जी मेरा नाम मुकेश शर्मा है जी, मुकेश शर्मा चाट भंडार के नाम से। अच्छा अच्छा सर, कितने साल हो गए बहू जी यहाँ पे आपको? पैंतीस छत्तीस साल हो गए। 89 से स्टार्ट किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या टाइमिंग रहती है वैसे अपनी यहाँ पे नॉर्मली? एक डिब्बे पापड़ी में डाला, सुबह 10:30 से शाम को 7 बजे। और क्या प्राइस रहता है इनका? ये खाने वाली प्लेट 40 रुपए की, पैकिंग 50 रुपए। अच्छा, खाने वाली प्लेट 40 की और पैकिंग 50 रुपए की। आधा किलो का डिब्बा पैक होता है। स्पेशली ऐसा क्या राज रहता है जो हमेशा इतना रश रहता है, यहाँ पे इतनी भीड़ है? मालिक चाट का तो ये है कि चाट में तो चाट अगर तरीके से खिलाओगे तो बंदा ढूंढता हुआ आएगा। क्या बात है, पिछली बार भी मैं आया था, लगभग संडे को आ गया था गलती से, जस्ट वो बंद थी आपकी ये शॉप। वैसे मेरे नाम से काफी बंदे इस मार्केट में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सर ऊपर वाले के बिल्कुल 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 वो तो नजर आ रहा है बिल्कुल कि कितना रश रहता है हमेशा। और जस्ट मैं भी लगभग आधा घंटा हो गया मुझे खड़े हुए, अब नंबर आया है मेरा, देखते हैं आज कैसी है प्रिपरेशन होती है इनकी। अच्छा महाराज, क्या क्या मिलाया जाता है पंडित जी इनके अंदर, क्या क्या डाला जाता है? ये दही है, दही और दही है, मसाला चटनी, ये भी तो डाल रहा बंदे। आपका भी ये मसाला स्पेशली वही होता है मार्केट में मिल जाता है? 16 आइटम होते हैं इसमें, अलग से स्पेशल बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लेट कंट्रोल करना। दही में भी क्रीम डली होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी तो नजर आ रही है पंडित जी, बिल्कुल अलग से ही नजर आ रही है क्वालिटी, किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है स्वाद, जब तो इतनी भीड़ होती है आपके पास में। प्राइस भी बड़ा रीजनेबल है। ये प्लेट तैयार होते हुए कस्टमर्स की, और ये जस्ट किसकी चटनी है? क्या बात है, वाह, इमली वगैरह का दाना भी नहीं है। अच्छा, इमली के दाने बिल्कुल भी नहीं है सर, खाली खजूर की। अच्छा जी, दो प्लेट क्वालिटी पूरी मेंटेन की हुई है पंडित जी ने, और ये जस्ट पैक होते हुए चटनी शायद ऐसे किसी के पास नहीं मिलेगी, पैक हो रहे हैं दही बार बन जाता है चटनी का, और भी आप देखा हो ऐसी चटनी नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 500 प्लेट दो बेटे, 2 प्लेट भाई। एक और पंडित जी इसको खोल के दिखाओ एक बार बस, जस्ट। हाँ जी बेटा, 2 पैकिंग मैडम जी की पन्नी में डाल के दो फटाफट, 2 प्लेट खा दी भाई, 500 में प्लेट। ओके भाई, ओके, 10 रुपये छोड़ दो छोड़ दो। ये हमारे पंडित जी, कभी आप आओ तो सिर्फ इनका एक बार फेस देख लीजिए, जस्ट इनके चेहरे के अंदर बदलू मिलते रहते हैं यहाँ पे। अगर आपको खाना हो स्पेशली यही सिर्फ टेस्ट चाहिए तो सिर्फ यही पंडित जी दे सकते हैं, और कोई भी नहीं, क्योंकि संडे को इनकी दुकान बंद रहती है, तो फिर इनके जगह कोई और ही बंदा मिलता है आपको, तो टेस्ट का वो इधर उधर हो सकता है। स्पेशली इसीलिए ज़रूरी है कि आप संडे से पहले ही आओ, 6 दिन की ये मार्केट लगभग 6 दिन के अंदर ही आप। ये स्टार्ट दोबारा प्रिपरेशन, ये मूंग की दाल का भल्ला होता है, और ये देखो गाड़ी गाड़ी बिल्कुल दही, क्या बात है। ये प्लेट डाल के माल निकालो झपकी से, पंडित जी एक हमारी भी प्लेट लगाओ, हम भी एक बार टेस्ट करें, हम भी नांगलोई से आए हैं आपके लिए। एक बार खाओगे बार बार आओ। नहीं बिल्कुल, आपका बड़ा नाम सुना हुआ है इसीलिए आए आपके पास में, एक बार टेस्ट करते हैं। दोस्तों जो भी नेहरू प्लेस रहता हो आपका दोस्त, उसको प्लीज़ पैक करो और आए एक बार टेस्ट करें और रिव्यू करें कैसे है, और बाकी और भी लोकेशन के ऊपर यार बताते रहो कि कहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए। ये देखो ये प्रिपरेशन हो रही है, ये मसाला डालना पड़ेगा बेटे, चल कोई ना डाल दो।
क्या बात है, सुपर भैया माइंड में ये इनकी खजूर की चटनी रखी हुई बड़े ना कम ऐसे होते हैं दुकानदार जिन पे खजूर की चटनी मिलती है। अब लेते हैं हम भी अपनी प्लेट और बताते हैं आपको कि कैसा है टेस्ट, मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है यहाँ पे आने का, नाम तो बड़ा ही सुना है। लेते हैं एक बार और कई बार कस्टमर का रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगता है। तो जी कैसा टेस्ट लग रहा है? बढ़िया। कब से आ रहे हो सर यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया भाई। अच्छा, काफी टाइम हो गया आते हुए। तो टेस्ट बरकरार है, मतलब पहले की तरह है? क्या बात है। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया है, खाने में स्वाद आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब पैसे वसूल है जैसा किसी से। मैम कैसा लग रहा है खाने में? ठीक है। आप पुराने जस्ट आ रहे हो या फिर अभी नए आए हो? अच्छा फर्स्ट टाइम, तो मतलब बढ़िया है। पैसे वसूल हुए नहीं हुए? अच्छा, द दिल्ली व्लॉग्स के नाम से चैनल है सर, द दिल्ली व्लॉग्स। हाँ जी हाँ जी। कैसा है सर रिव्यू? ठीक है, मतलब कि बढ़िया लग रहे हैं? कितने साल है सर? कई साल हो गए मेरे को, मैं 7-8 साल से तो यही, 10 साल से यही नर्वस हूँ। मतलब पंडित जी ने टेस्ट बरकरार रखा हुआ है बिल्कुल ही, बहुत बढ़िया। अब भाई एक फ्रेंड मेरा साथ में आ रहा है, ये सुमित गर्ग है, जैसे अभी ये बताएंगे आपको कि कैसा रिव्यू है। ले भाई सुमित भाई, कैसा लगा? कैसा मतलब कि करकरारापन है, दही कैसी है? पंडित जी बता रहे हैं कि मलाई वाली दही लग रही है, तो कैसा स्वाद है? मलाई जैसा आ रहा है बिल्कुल, टेस्ट गाढ़ा गाढ़ा सा। अच्छा मसाले का टेस्ट अलग है बिल्कुल ही, पंडित जी का अपना बनाया हुआ मसाला है। हाँ बिल्कुल, पंडित जी बता भी रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मतलब खाने में। कितनी प्लेट और खा जाएगा? कुछ नहीं है, तो ये पूरा पेट भर सकते हैं। क्या एक बार आप भी आइए और खा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो मतलब कि यार भीड़ कभी टूटा ही नहीं करते पंडित जी की, काफ़ी सालों से लगा रहे हैं और हमेशा मतलब कि भीड़ ही रहती है हमेशा। वैसे तो जनरली ये कंप्यूटर मार्केट है, बट फिर भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, और लगभग मेरे को भी आधा एक घंटा हो गया, मेरे को भी लगभग आधा एक घंटा हो गया था। जैसे एक फूडी ब्लॉगर आ गया अपना भाई, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, देन उसके साथ में फिर मैंने उसे बातचीत करी और उसके बाद में अपनी वीडियो कंप्लीट करने के लिए मेरा नंबर आया, तो मैं इंतज़ार करता रहा काफ़ी टाइम से। जस्ट पहले भी आया था मैं, बट मेरा नंबर नहीं आ पाया था। तो अब एक बार मैं भी अपनी प्लेट लगवाता हूँ और मैं भी अपना रिव्यू देता हूँ कि कैसा रहा। जस्ट आपको पंडित जी के पास में आना होना तो नेहरू प्लेस के अंदर है ना ये कंप्यूटर मार्केट, और कंप्यूटर मार्केट के अंदर स्पेशली जो टोक्यो में ये मेरे सर के ऊपर आपको नजर आता हूँ, टोक्यो ऑफिस ही है ना, मैं आपको देख, ये इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है, जस्ट ये इसके नियर बाय, और ये है मार्केट, ये सर का ये लैपटॉप का शोरूम है यहाँ पे, जस्ट यहीं पर ये पंडित जी का सोल लगता है और काफ़ी भीड़ रहती है, तो आओ बिल्कुल। लेते हम भी एक बाइट और देखते हैं कि पंडित जी का स्वाद कैसे बरकरार है, हम भी एक बार अपना रिव्यू देते हैं और बताते हैं आपको। ये बाइट है और हल्का मतलब बरकरारापन है, और ये दही है बिल्कुल ही गाढ़ी, और इसमें मिला रहा है खजूर की चटनी, और स्वाद मतलब कि यार एक बाइट में मेरा मतलब कि नियत के भरी जैसे एक और भरी तो गुड माइंड गुड मजा आ गया। आप भी आओ यार।
पसंद है उसको टैग करो, जो भी आपका नेहरू प्लेस के अंदर रहता हो टैग करो और बताओ। और आप दिल्ली ब्लॉग्स को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बिना कहीं आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक्स।